मंदिर को आज से लगभग ये मतलब कि मंडोर का साम्राज्य जो था वो अखंड जी भारत जी पे प्रत्यारमास ने राज किया था, हाँ उन्हीं हाँ के मंदिर समय का ये मंदिर है जी भैया और 2000 वर्ष पुराना है। इसके बाद में इसी जय माता चामुंडा। जो भैया कैसे हो जी भैया, आए हमारे साथ भारत के अंदर यात्रा कर रहे हैं पूरी पूरी, और अभी ये चामुंडा माता के मंदिर आए हैं मंडोर, और जी हमने बाकी पूरे भारत में सब इनके सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और हमारी संस्था ने एक छोटा सा निर्णय लिया है कि जो इनको भैया का हम 5100 रुपये अपनी तरफ से देंगे इनको यात्रा के लिए, और बहुत आप भी बढ़िया। से भी हम इस छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया को होती कोशिश जितना भी आपसे 1 रुपये भी समर्थन होने की आप दे सकते हो अपनी जेब से तो भैया को दो, और इनकी सब यात्रा में अपना एक छोटा सा भागीदारी और हिस्सेदारी निभाओ। जय जी माता भैया दी। बहुत तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो सिटी का व्यू, जो कि आप देख सकते हो भाई बड़ा ही प्यारा सा व्यू बना हुआ है। सो गाइस सभी हम किला घूम के आ रहे थे और अभी घंटाघर जा रहे थे, और भाई यहाँ पे एक लोकेशन दिखी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो भाई यहाँ पे जो ये कुंड देख सकते हो आप, और यहाँ पे भाई जो डिज़ाइन बनी हुई कितनी प्यारी बनी हुई है देखो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घंटा घर, और ये भाई यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो। तो गाइस अभी हमारा भाई हमने तिरंगा निकाल के रखा हुआ था साइकिल में से, कि आप देख सकते हो तिरंगा निकाल दिया था, तो ये चिंता भाई क्योंकि अभी मैं टूर ख़त्म करके जा रहा था और मैंने वो जो मेरे पास लकड़ी थी वो मैंने फेंक दी थी, तो अभी भाई मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये भैया जी की शॉप पे से। यहाँ पे भाई पूरे पास थी मैंने लकड़ी ओन देखी, तो मैंने सोचा भाई एक तिरंगा मैंने ले लिया था, मैंने तिरंगा भाई लिया था शायद तक पुष्कर में ही लिया था मैंने, लेकिन मेरा मोबाइल घूमने की वजह से मैं टूर कैंसिल करके जा रहा था तो मैंने लकड़ी फेंक दी थी, और अभी भाई ये एक और लकड़ी ले ली है मैंने बाँस की, तो लगाते भाई अभी तिरंगा आपस और आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं घंटा घर, और भाई क्या ही लग रहा है घंटा घर पर वॉच लगी है भाई, टाइम सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा है नहीं पता है मुझे। नहीं भाई सही टाइम चल रहा है क्या भैया जी? तो भाई ये है घंटा घर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, और भाई अभी हमने हमारी साइकिल पे तिरंगा लगाया, आपको दिखाते हैं। ये रहा भाई ये देखो भाई, तिरंगे के बिना तो भाई हमारी साइकिल अधूरी अधूरी लगती है, तो सही है भाई। भैया जी हेलो। तो भाई भैया जी भी मिले हैं अभी हम, तो ये सीन है भाई अभी थोड़ा साइड से ले लेते हैं साइकिल को हम। तो ये रहा घंटा घर, और भाई यहाँ पे अंदर में शायद तक मंदिर वगैरह भी है। और भैया हो गया बढ़िया भैया बढ़िया जय हिंद। और अभी हम जा रहे हैं भाई आज रुकने की प्लेस देख लेते हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं क्या कर रहे हैं देखते हैं, तो चलिए चलते हैं। और ये रहा भाई घंटा घर, और ये रहे हमारे अंकल जी। अंकल जी क्या हाल चाल है? सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंडोर, और भाई यहाँ की रूट देखिए, और यहाँ से भाई मंडोर बचा हुआ है ये 9 किलोमीटर, तो चले भाई चलते हैं। और भाई यहाँ की रूट देखो ये पूरी टाइल्स से बनी हुई है, तो कितनी प्यारी लग रही है। तो चले भाई यहाँ से भी मेन रोड पकड़ते हैं और जाते हैं मंडोर के लिए, और वहाँ पे भाई किला है बता रहे हैं तो वहीं पे ले जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं पेंडोर, और यहाँ पे भाई जो ये पार्क है के अंदर भाई अभी एंटर होते हैं, यहाँ का टिकट है 10 रुपये, और नाइट शो भी होता है भाई उसका टिकट है 20 रुपये, तो चले भाई चलते हैं अंदर और यहाँ से लेते हैं टिकट। चलिए सो गाइस अभी यहाँ से हमने 10 रुपीज़ का टिकट कटा लिया है, और भाई ये देखो यहाँ पे ट्रेन वगैरह, और ये देखो भाई या ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुल सा सजाया हुआ है और बहुत ही प्यारा। भाई यहाँ पे भाई नाइट को थोड़ा सा व्यू चेंज होगा, लेकिन हम अभी पे जल्दी आ गए हैं तो यही सही भाई, अभी जो व्यू देखने को मिल जाए आप वही देख लो, और देखते हैं हो सका तो भाई आपस आते वक्त जल जाए तो आपस आते वक्त दिखा देंगे आपको। और भाई यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा संभल के। हेलो भाई हेलो किधर। सो गाइस अभी हम अंदर एंटर होने वाले हैं, मतलब एंटर तो हो चुके हैं, लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत किला वगैरह है वहाँ पे भी एंटर होते हैं, तो चलिए भाई चलते हैं।
तो गाइस ये है काला गोरा भैरव जी का मंदिर, और भाई यहाँ से ये किले का जाने का रूट, लेकिन भाई अभी नहीं जाएंगे क्योंकि भाई मेरी गोप्रो की स्पेस ही फुल हो जाएगी और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी वहाँ पे जाएंगे कल सुबह, अभी फ़िलहाल में तो भाई ये गार्डन घूम लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम किले के ऊपर आ चुके हैं, और भाई ये देखो व्यू, कुछ इस तरीके का व्यू है भाई। अभी तो भाई थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली घूमने आ रहे हैं, और गार्डन ये रहा यहाँ पे है, और अभी जा रहे हैं वहाँ पे भाई, थोड़ा सा वहाँ पे पॉइंट देखेंगे अच्छे, थोड़ी देर बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे, और आप भी इन्जॉय करिए। चलिए बोलिए चामुंडे मात की जय, बोलिए काला घोरा भैरवनाथ की जय। सो गाइस अभी हम आए थे चामुंडा माता मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है माता जी का मंदिर, और यहाँ पे कुछ भैया जी से, यहाँ पे भैया जी ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी आपको कुछ पता है? थोड़ा सा बता दीजिए। इस मंदिर का हालांकि कहा तो ये जाता है कि लगभग आज से 2000 या 2500 साल पूर्व का या उससे भी पुराना मंदिर इसको माना जा रहा है, लेकिन ऐतिहासिक शिलालेखों के मानने तक अनुसार इसकी स्थापना 721वीं सदी में यहाँ के प्रतियार वंश के राजा हरिश्चंद्र ने की थी। जी भैया, हालांकि उसकी ये शिलालेखों में मिला है कि ये उस समय का बनाया गया है, उन्होंने ये बनाया था प्रतियार वंश का। और शायद आपको जानकारी देने बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं हम कि इस मंदिर को आज से लगभग ये मतलब कि मंडोर का साम्राज्य जो था वो अखंड भारत पे प्रतियार वंश ने राज किया था, उन्हीं के समय का ये मंदिर है। और 2000 वर्ष पुराना है। इसके बाद में इसी मंदिर से जोत ले जाके मंडोर, यही जो पुराना मैरनगढ़ मंदिर है ना, और उसके बाद में जोधपुर की स्थापना हुई। और इस मंदिर का महत्व लगभग 2000 साल पुराना है, और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना मंदिर है। जी जी भैया, बहुत अच्छा लगा भैया यहाँ पे अभी आपके साथ आरती करी, बहुत अच्छा लगा भैया। बिल्कुल, ये रहे हमारे भैया, पूरे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें भैया को, भाई को जरूर सपोर्ट करें। जो भी जो और जो बंदे वीडियो देख रहे हैं जो भी, वो भैया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनका सपोर्ट करें। पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर साइकिल से घूम रहे हैं, उन्होंने 12 राज्य 12 स्टेट साइकिल चला ली है, यात्रा कर ली है, आगे बाकी है जो करेंगे, अपन सब मिलकर इनका समर्थन करें। और जो भैया कैसे हो भैया, आए हमारे साथ भारत के अंदर यात्रा कर रहे हैं पूरी पूरी, और अभी ये चामुंडा माता मंदिर आए हैं मंडोर, और हमने बाकी पूरे भारत में सब इनके सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और हमारी संस्था ने एक छोटा सा निर्णय लिया है कि जो इनको भैया का हम 5100 रुपया अपनी तरफ से देंगे इनको यात्रा के लिए, और आप भी से भी हम छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया को होती कोशिश जितना भी आपसे 1 रुपये भी समर्थन होने की आप दे सकते हो अपनी जेब से, तो भैया को दो और इनकी सब यात्रा में अपना एक छोटा सा भागीदारी हिस्सेदारी निभाओ। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी लोगों का। लेकिन भैया मेरा एक कहना है कि मैं आपको, आप जो पैसे दे रहे हो वो माता जी के मंदिर में लगा दीजिए, मेरे ये हम चाहते हैं भैया आप, आप पूरा भारत के अंदर यात्रा करो, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं आपको, कोई ऐसा इशू नहीं है, और संस्था के पास बहुत पैसा, कोई टेंशन नहीं, माता जी की कृपा है हमारे पास, कृपा है और आपके लिए छोटा सा उपहार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी लोगों का, आगे बढ़ा रहे, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं जी भैया, वो भी साइकिल पे। सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस कल मेरे थोड़े गोप्रो का स्पेस फुल हो गया था भाई, इसलिए मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था। और भाई इसी कल आपने देखा था भाई लोगों ने हमको मिले थे चामुंडी माता जी के मंदिर पे, तो वहाँ पे बातचीत करी भाई लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा। और भाई लोगों के साथ में हम यहाँ पे एक मंदिर में रुके हुए थे, बालाजी मंदिर में, तो यहाँ पे रुके हुए थे, और भाई यहाँ पे हमने टेंट लगाया था छत के ऊपर, मंदिर के पास में एक भवन है उसके ऊपर टेंट लगाया था हमने। तो
बस भाई ब्लॉग एंड करना भूल गया था, तो ब्लॉग एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, गुड नाइट, जय हिंद। सॉरी भाई, गुड नाइट नहीं, अभी गुड मॉर्निंग, जय हिंद।